लाल किला के अंदर हूँ अलवर में, और सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ इसका पौधा है वो 2 लाख रुपए का, मतलब किसी ज़माने में ला के यहाँ लगाया गया था, बहुत कीमती पौधा है। और इन्हीं से भाई साहब से पूछते हैं कि ये इतना कीमती क्यों है, इसकी प्राइसेस। चलिए तो सर आप बताइए, जो ये पेड़ है ये किस चीज़ का है? ये कल्प वृक्ष है साहब, ये पहले सुरत में पैदा हुआ करता था। अच्छा अच्छा। उसके बाद में यहाँ पर एक IAS कलेक्टर अपने दीपक उप्रेती थे, वो लेके आए थे उत्तराखंड से। बताते हैं कि उस पीरियड में ये 2 पौधे 2 लाख के आए थे। अच्छा। उसके बाद में ये मेल तो हो गया, बट फीमेल ये 4 टाइम लगा दिया। अभी DFO शेडू राम जी यादव वो लेके आए हैं, लेकिन इस पता नहीं इसके कोई बीमारी है या क्या है, ये नहीं हो रहा है। तो इसकी विशेषता क्या है सर? इसकी विशेषता ये है कि कल्प वृक्ष ड्रीम ट्रीज बोलते हैं अंग्रेजी, कि जो भी आदमी सोशल संबंधी चीज जो वो करे, सोचे कि भाई ऐसा करूँ मैं समाज के लिए, ये करूँगा वो, नहीं ऐसा नहीं कि मैं कल मैं ऐसा ही जनाई मर जाऊँ, सारी दुनिया को मार दूँ और ये कर दूँ, नहीं। आप अपने सोशल संबंधी चीज सोचिए, 41 दिन में पूरी होती है। अच्छा। इस पौधे की और शंकर भगवान की पूजा के कोई खर्चा नहीं है, खाली 1-2 लोटा पानी डाल दीजिए, शंकर भगवान की आप आँख और धतूरा का फूल चढ़ा दीजिए, उसमें ही खुश है और मांगत पूरी होती है। इसमें शिव परिवार की मूर्ति बनती है तने के अंदर, जिसके अंदर क्या बोलते हैं, तो गणेश की है, शंकर भगवान या पार्वती या कार्तिक के, ये गणेश की स्टार्ट होगी। इट विल टेक टाइम, इसमें अभी 2-2.5 साल और लगेगा। और पेड़ एक है, फूल इसके 2 आते हैं, जिसके अंदर एक गोल्डन कलर में एक सिल्वर कलर के अंदर। 21 साल का पेड़ हो जाएगा जब इसके एक फल आएगा, फल का शेप रहेगा नारद मुनि और पंजासन शंख, जो युग चेंज होता है जब वो शंख बजाया जाता है। एक ये अनाउंस और कर देता हूँ, 2037 में कलयुग खत्म हो रहा है और सतयुग आ रहा है। अच्छा। इससे पहले सारी रामायण कहानी पूरे वर्ल्ड में पहलका मच जाएगा 2022 से। अच्छा, अभी इसमें जो आप बता रहे हो कि गणेश जी की प्रतिमा बनने लगी है, तो वो ये है? हाँ, ये जो दिख रही है वो मून बनेगा, सून बनेगा, 2.25 फीट की बनेगी। और उस साइड में वो आंखें बनगी। अच्छा। और 3 तरफ बनेगी, इसमें कुछ चीजें कम रहेंगी, आंख या कान, वो नूह से देखोगे तो इधर से सेट खा जाएगी, इधर से देखोगे तो इधर से खा जाएगी। चलिए। और ये विश्वकर्मा भगवान की पूजा के काम आता है, अपना गोल्ड यहाँ की भाषा में वाइल्ड बोलते हैं। और ये 6 मुखी रुद्राक्ष होगा, वो हार सिंगार होगा, छोटा सा पौधा 1-2-7 वो हार सिंगार है, ये 6 मुखी रुद्राक्ष, ये 6 मुखी रुद्राक्ष है, वो आपके पीछे 5 मुखी रुद्राक्ष, ये वाला 5 मुखी रुद्राक्ष है। तो दोस्तों ये सारी चीजें बाला किला के अंदर अलवर के अंदर अवेलेबल है, और वास्तु के पौधे हैं सारे, और इसके अंदर बस थोड़ा रख रखाव का ही वो हो रहा है, और बाकी सभी चीज़ें साहब सब चीज़ की वो हैं।